नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हो टेक्निकल हाउस, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग मोबाइल के जो सीक्रेट्स कोड है उसके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप नए नए कोड की मदद से अपने मोबाइल की अंदरूनी जानकारी आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ जो फर्स्ट कोड है, वहां से मोबाइल की कॉलिंग स्टार्ट होती है। तो प्रेस करता हूं ईमेल नंबर को चेक करने के लिए। स्टार हैज 06 हैज, इस कोड की मदद से आप ईमेल नंबर को चेक कर सकते हो। चलो अब दूसरा नंबर पिन को जनरेट करने के लिए टैप करता हूं। तो अब आप अपने मोबाइल में जो टेस्टिंग जो सेंसर लगे हुए हैं, जो स्क्रीन है, टच है, कैमरा है, जो भी इसमें है, तो उसको वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी टेस्टिंग के लिए कौन सा कोड प्रेस करना पड़ता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वो कोड है स्टार हैज 0 स्टार हैज। इस कोड की मदद से आप अपने मोबाइल की टेस्टिंग देख सकते हो एक बार। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तो स्क्रीन का है, यानी स्क्रीन के एलसीडी के कलर के बारे में। ये रिसीवर, माइक, ये वाइब्रेशन, ये डिमिंग, इसमें तीन कलर एक साथ आएंगे। ये कैमरे का, ये सेंसर का, इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर आएगा, एक्सेलेरोमीटर आएगा, ये टच, ये स्लीप मोड, ये स्पीकर का आएगा, ये सबकी फ्रंट वेबकैम, लो फ्रिक्वेंसी, ब्लैक। इस प्रकार आप यहाँ से इन ऑप्शन को देख सकते हो। जो भी इसमें सेंसर लगे हुए हैं और जो भी इसमें लगा हुआ है उसको आप चेक कर सकते हो। अब बात करता हूं इस मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन डाला हुआ है, तो उसके लिए कौन सा कोड प्रेस करना पड़ेगा, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो वो कोड है स्टार हैज 1111, चार बार एक है और हैज, इससे आप अपने सॉफ्टवेयर वर्जन को यहां से देख सकते हो। अब दूसरा कोड है हार्डवेयर वर्जन, हार्डवेयर वर्जन के लिए कौन सा कोड है, तो देखिए स्टार हैज 2222 हैज। इस कोड की मदद से आप अपने हार्डवेयर वर्जन को देख सकते हो। अब बात करते हैं इसमें फोन का वर्जन कौन सा है, पीडीए वर्जन, पर्सनल जो होता है ना पीडीए, उसका वर्जन और फोन वर्जन, तो उसमें कौन सा वर्जन इसमें डाला हुआ, तो वो चेक करने के लिए स्टार हैज 1234 हैज। इसकी मदद से आप अपने मोबाइल का पीडीए वर्जन को चेक कर सकते हो। इसी प्रकार एक और कोड है, सेम है लगभग, उसमें पीडीए वर्जन और फोन वर्जन के साथ साथ आरएफ, एचडब्ल्यू, रिसीवर एंड स्क्रीन इन्फॉर्मेशन, इन एक स्क्रीन पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वो कोड है स्टार हैज 1258 स्टार 369 हैज। इस कोड की मदद से आप अपने आरएफ कॉल, एसडब्ल्यू, रिसीवर, ये सब एक स्क्रीन पे आप देख सकते हो। उसके बाद बात करता हूँ इसमें कौन सा हार्डवेयर वर्जन है और इसमें कौन सी हार्डवेयर है इस मोबाइल में, तो उसको चेक करने के लिए ये सेम ऑल टेस्टिंग फोन वो उसके सेम जैसा है, बस इसमें कोड चेंज है। स्टार हैज 7353 हैज। इसमें वो सेम है, मेलोडी, वाइब्रेशन, स्पीकर, ट्विंग, कैमरा, विट कैमरा, ब्लूटूथ, टीएसपी डॉट मोड, टीएसपी ग्रिड मोड, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो सेम है। इसमें कोड, इसमें सिर्फ कोड चेंज है। अब बात करता हूँ मैं इसमें जीएसएम कोड रजिस्ट्रेशन स्टेटस के बारे में, जो बताएगा आपको उसका रजिस्ट्रेशन कोड और स्टेटस, उसके बारे में आपको ये कोड प्रेस करना पड़ेगा। स्टार हैज 0011 हैज। तो इसमें आपको ये पूरा स्टेटस आपको बताएगा इसमें।
अब बात करते हैं इसमें नेटवर्क, नेटवर्क का कोड इसमें काम नहीं करता, इसलिए आपको दूसरा कोड मैं बताऊंगा। तो अब इसमें बैटरी का स्टेटस जानने के लिए कौन सा कोड है तो वो आपको बताऊंगा। स्टार है 0228 हैज। इसमें आपको बैटरी का जो स्टेटस है, इसमें कितने वोल्टेज की बैटरी है, क्या लेवल है इसका, कितने परसेंट की चार्जिंग है इसमें, पूरा इसमें आपको बताएगा। और दूसरा कोड है मोबाइल में कितना वोल्टेज, टेम्परेचर, लुक बैक, उसके बारे में कौन सा कोड है तो बताऊंगा मैं आपको। स्टार है 0283 है। इसे आपको ये सारी चीजें इसमें चार ऑप्शन दे सके, उन ऑप्शन को आप देख सकते हो। अब बात करता हूँ रैम डंपिंग। रैम डंपिंग का जो कोड है स्टार है 9090 है। इसमें आपको ब्लैंक दिख रहा है। अब बात करता हूँ कैमरा फार्मवेयर। कैमरा फार्मवेयर वर्जन इसमें चेक करने के लिए स्टार है 7412365 है। ये कोड इसमें काम नहीं कर रहा है तो इसको कैंसिल करता हूँ मैं। अब फार्मवेयर अपडेट करने के लिए मोबाइल का जो फार्मवेयर है उसको अपडेट करने के लिए कौन सा कोड है आपको यहाँ से अपडेट करने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे मोबाइल खराब भी हो सकता है। बस ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। स्टार हैज 3497153 हैज। यहाँ से आप इसका वर्जन भी चेक कर सकते हो और उसको अपडेट भी कर सकते हो। अब बात करता हूँ यूएसबी सेटिंग्स। इसमें यूएसबी सेटिंग्स कोड के माध्यम से कैसे कर सकते हो तो वो आपको बताऊंगा। वो कोड है स्टार हैज 0808 हैज। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हो यूएसबी की, CPAP, MTP, MTP प्लस, ADB, बहुत सारी सेटिंग्स है इसमें। अब सिस्टम डंप मोड, इसके लिए एक कोड है स्टार हैज 9900 हैज। यहाँ से बहुत सारे सिस्टम के फाइल्स से हैं और बहुत सिस्टम के जो फंक्शंस हैं यहाँ से आप देख सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन है TSP और स्क्रीन फॉर्मेट, कैसे अपडेट करते हैं उसके बारे में एक कोड है स्टार हैज 2663 हैज। इससे आप अपने फोन का टच की जो वर्जन है उसको भी आप अपडेट कर सकते हो, वाईफाई वर्जन को रिफ्रेश कर सकते हो, TSP FW को अपडेट कर सकते हो, इस सब यहां से आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन अपडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से अगर अपडेट कर लिया और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपका मोबाइल भी डैमेज हो सकता है। इस प्रकार ये सब कोड है अपने J सीरीज मोबाइल में भी आप ये सब कोड मिल सकते हैं। J5 सैमसंग के किसी भी मोबाइल में ये कोड चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी, कुछ नया नॉलेज मिलेगा, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।